गुड मॉर्निंग टीचर्स, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के डीपीपी नंबर 33 का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे हम आज. सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन. क्वेश्चन नंबर 1, द गिवन डायग्राम शोज द पैरासिम्पेथेटिक इनोवेशन. यानी आपको नीचे जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है, इसमें पैरासिम्पेथेटिक इनोवेशन ऑफ व्हाट? पैरासिम्पेथेटिक इनोवेशन ऑफ नर्व्स इन योर स्मूथ मसल एंड ग्लैंड्स ऑफ द स्टमक. What chemical transmitters are released? आपसे पूछा गया है किस तरीके के केमिकल ट्रांसमिटर्स रिलीज होंगे, कहाँ पर, एक्स एंड वाई पे. यानी दो डायग्राम आपको गिवन है एक्स एंड वाई लेबल करके. तो आप एक चीज देखिए, पहली बात आपको उसमें बोला है पैरासिम्पेथेटिक इनोवेशन है, यानी नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा है. सिंपेथेटिक इज बेसिकली योर फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन. तो नॉर्मल कंडीशन में यानी पैरासिम्पेथेटिक में ये सॉल्व करने से पहले ही हमें मालूम है कि पैरासिम्पेथेटिक में एसिटाइल कोलीन इज द मेजर न्यूरोट्रांसमीटर. एसिटाइल कोलीन, ठीक है. और सिंपेथेटिक में एसिटाइल कोलीन प्लस एड्रेनालिन या नॉर एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, ठीक है. तो हमें यहाँ पे बेसिकली उसने डिस्कस क्या किया, पैरासिम्पेथेटिक कंडीशन ओनली, ओनली पैरासिम्पेथेटिक कंडीशन. इसलिए मैंने सिंपेथेटिक को रब कर दिया. अब कौन से केमिकल ट्रांसमीटर रिलीज करेगा, तो ये देखिए आप, उसने बोला CNS, यानी CNS से एक नर्व फाइबर आया, यहाँ पे उसकी एक नर्व एंडिंग है, ये नर्व एंडिंग है, ठीक है. तो यहाँ इस ने क्या रिलीज किया, न्यूरो ट्रांसमीटर. न्यूरो ट्रांसमीटर कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करेगा, एसिटाइल कोलीन, यही आपसे पूछा है. और वाई क्या है, वाई ये जो न्यूरॉन प्रेजेंट है यहाँ पे, इसने ऑलरेडी लेबल कर दिया, ये इस न्यूरोन की नर्व एंडिंग दी हुई है, यानी आगे किसी भी तरीके के दूसरे न्यूरोन को ये कोई केमिकल सिग्नल नहीं दे रहा है, ये स्मूथ मसल्स को सिग्नल दे रहा है. सिग्नल टू स्मूथ मसल्स. यानी यहाँ पे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल दे रहा है, और यहाँ पे एक नर्व एंडिंग जो है वो सिग्नल किसको दे रही है, स्मूथ मसल को. तो यहाँ तो किस फॉर्म में देगा, एसिटाइल कोलिन में. और यहाँ ये जो नर्व एंडिंग है, ये जो नर्व एंडिंग है, ये भी किस फॉर्म में सिग्नल देगी, एसिटाइल कोलिन के फॉर्म में, क्योंकि मैंने अभी डिस्कस किया था कि इसमें एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन का कोई भी रोल नहीं होगा, क्योंकि ये पैरासिम्पेथेटिक की बात कर रहा है. किसकी बात कर रहा है, पैरासिम्पेथेटिक, यानी एक्स एंड वाई बोथ आर व्हाट, एसिटाइल कोलिन. केमिकली पूछा है ना आपसे, कौन सा केमिकल ट्रांसमीटर है, यानी कौन सा केमिकल फॉर्म का न्यूरो ट्रांसमीटर है, तो कौन सा है, एसिटाइल कोलीन. तो फर्स्ट ऑप्शन इज नॉरएड्रेनालिन कैल्शियम, रॉन्ग. एसिटाइल कोलीन एंड नॉरएड्रेनालिन, नो. एसिटाइल कोलीन एंड कैल्शियम, नो. एंड एसिटाइल कोलीन. तो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, एसिटाइल कोलीन एंड नॉरएड्रेनालिन. आपका आंसर तब जाएगा जब आपको सिंपैथेटिक कंडीशन गिवन हो. आंसर विल बी डी.